और चलिए बात करते इस वक्त की बड़ी खबर की। भिंड से बड़ी खबर मिल रही है आपको, बताया जहां रविदास जयंती पर यहां पर भिंड से बड़ी खबर दे रहे हैं, बता दे जहां मूर्ति लगाने पर दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। भिंड से बड़ी खबर, सवर मोर्चा के लोगों ने विरोध यहां पर किया है। अनुसूचित जाति के लोग मूर्ति नहीं हटाने पर अड़े हुए हैं, तो दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक दल मौके पर मौजूद है। भिंड से बड़ी खबर, रविदास जयंती पर फूक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मूर्ति लगाने पर दो समुदाय आमने सामने आए हैं। सवर मोर्चा के लोगों ने यहां पर प्रदर्शन भी किया है। मूर्ति लगाने पर दो समुदाय आमने सामने आए हैं। भिंड से बड़ी खबर, सवर मोर्चा के लोगों ने विरोध किया है। अनुसूचित जाति के लोग मूर्ति नहीं हटाने पर अड़े हुए हैं। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। मंत्री अरविंद भदौरिया के विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ देखने को मिला है, जहाँ मूर्ति को लेकर विवाद हुआ है। दो पक्ष, दो समुदाय के लोग आमने सामने आए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, दो पक्ष के लोग आमने सामने क्यों आए हैं? देखिए, भिंड में जो खूब तस्वीर में रविदास जयंती के मौके पर आज जो कुंवरगढ़ गांव है, खूब कस्बे से मैच जो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगह है, जहां एक सामुदायिक भवन में अम्बेडकर की मूर्ति को रातों रात रख दिया गया। जब इसकी सूचना सुबह सवर समाज के लोगों को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और मूर्ति हटाने को लेकर जब उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया तो वहाँ जब मामला बिगड़ने लगा और जिन लोगों ने ये जो मूर्ति रखी थी, अनुसूचित जाति के लोग बताए जा रहे हैं, साथ ही सवर समाज के लोग जब आमने सामने आ गए और माहौल बिगड़ने की स्थिति लगी तो भिंड जिला प्रशासन, भिंड कलेक्टर, एसपी, पूरा पुलिस बल वहाँ पहुंचा और काफी देर तक हंगामे के बाद मूर्ति को वहाँ से हटाया गया है और उसको थाने में रख दिया गया, रखा गया है। साथ ही मौके से 3 से 4 जो लड़के हैं जिन्हें यह मूर्ति रखने में संदिग्ध माना जा रहा है, उनको भी फिलहाल मौके से पकड़ा गया है और मामले पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। जी, चलिए शुक्रिया ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए। कार्रवाई जारी है, जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक दल भी मौके पर पहुंचा। ये भी आपको बता दे, मूर्ति को लेकर ये पूरा बवाल हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।